खबर अलीराजपुर के जोबट से, जहां कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी शामिल हुए। इस दौरान जीतू पटवारी ने महंगाई को लेकर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा, तो वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन को सचेत भी किया। साथ ही प्रशासन पर भी सरकार के दबाव में काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में वैधानिक कार्रवाई न होने पर 22 फरवरी से होने वाली विधानसभा नहीं चलने देंगे। जीतू पटवारी ने इस मामले में भाजपा नेताओं के बयान पर शिवराज सिंह से माफी मांगने की बात कही। इस दौरान युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस नेत्री कलावती भूरिया पर अपमानजनक टिप्पणी का विरोध किया और प्रशासन से बिना दबाव में कार्रवाई की मांग की। तो वहीं अलीराजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि अगर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की तो अलीराजपुर जिले को बंद कर चक्का जाम करने किया जाएगा। अगर कोई ये कहे कि तेरा हाथ काट दूंगा, कौन सी धारा लगती है? तेरी हाथ काट दूंगा, जान से मारने की धमकी दी। वो मेरा आदिवासी, एट्रोसिटी एक्ट लगता था, नहीं लगा। और कलावती भूरिया आदिवासी बेटी, उनकी पार्टी का पूर्व विधायक, उनकी पार्टी के दो जिला अध्यक्ष, उन्होंने नाक काटने की, जान से मारने की, हाथ काटने की अलग अलग बयान दिए। और शिवराज सिंह उन्होंने क्या कारण है कि दो आंखों से आप देखते हो बीजेपी का माफिया अलग और माफिया अलग, तो शिवराज सिंह जी का असली टर्नी और कथनी सामने आई है। हमने प्रशासन से कहा है आप न्याय करें, जो धाराएं लगती है इसमें वो लगाएं, पुलिस अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, अन्यथा 22 तारीख को विधानसभा जब चालू होगी तो शिवराज सिंह जी से पूछेंगे कि बेटियों के की सुरक्षा का ढोंग क्यों करते हो आप, ये सवाल बनता है नहीं बनता। तो यही बात, यही कारण, यही भावना, ये 15-20 विधायक जो इकट्ठा हुए उन्होंने सबकी एक ही भावना थी, और ये भावना हमारी आदिवासी बेटी की सुरक्षा की, और वही हमने